बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब्बा जी आए हुए थे चारा लेने के लिए, तो मैं सिर्फ उठाने के लिए आया हूँ। उनका फ़ोन आया था तो अभी मैं पहुँचा हूँ। कुछ इधर पौधे हैं, वो आप दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बाद चारा ले कर जाएँगे। ये मिठे के पौधे लगे हुए हैं, ये जिनके पौधे हैं उनका डॉगी भी बोल रहे हैं। तो आगे ये खजूर के पौधे हैं, दरमियान में फालसा लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकता हूँ, वो बोर। कुत्ते बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उधर जाने नहीं दे रहे हैं वो, आपने आवाज़ सुनी होगी, बहुत गुस्से में लग रहे हैं वो भी, क्यों पहले मेरे पास डंडा था इसीलिए, डंडे की वजह से बोल रहे हैं। क्यों डंडा मैंने रख भी दिया, लेकिन फिर भी वो वैसे ही गुस्से में बोल रहे हैं। तो बस अब चारा लेके चलते हैं। पौधे काफ़ी खूबसूरत लगे हुए थे, आगे अंगूरों की बेल भी लगी हुई है। ये अंगूरों की बेल है ऊपर, ये डंडों के ऊपर है ना, अंगूर भी लगे हुए हैं, लेकिन पास नहीं जा सकता हूँ, काफ़ी दूर है। ये खजूरों की बैक साइड पर ये काफ़ी लंबी बेल है, तो बस पास जाने से वो कुत्ते भौंकते हैं। बाइक पे बैठा हुआ हूँ तो खानेवाल जा रहा हूँ, लाइसेंस की दरख्वास्त देने के लिए जा रहा हूँ। शोर काफ़ी है, आवाज़ की कोई समझ नहीं आ रही होगी, गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड पे खड़ा हुआ तो लर्निंग लाइसेंस की दरख्वास्त देने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी सीखी हुई है, बाइक भी चलाता हूँ तो लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो हम दोनों, ये दोस्त है मेरे पीछे बैठा हुआ तो मैं हूँ, हम दोनों ने दरख्वास्त देनी है। तो बस अभी निकले हैं, तो 15-20 मिनट लगेंगे खानेवाल पहुँचने में हमें। अभी वापस आया हूँ खानेवाल से, उधर तो मैं वीडियो नहीं बना सका, जल्दी दफ्तर में हलचल थी, रश था, तो वहाँ मुनासिब भी नहीं था, सख्ती होती है। तो घर पहुंचा हूँ, ये मेरा बना है, अभी दरख्वास्त दी है, 41 दिन के बाद फाइल मिलेगी, तो उसके बाद जाके लाइसेंस तैयार होगा। बस अभी आज का काम ये था मेरा, ये करके आए हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो असर के बाद नहाने के लिए घर से निकला हूँ, क्यों जब से वो मैं खानेवाल से आया हूँ तो आराम के लिए लेटा था, तो 2-3 बजे उठा हूँ, उस वक्त ही उठ के ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, नमाज़ भी आज लेट हो चुकी थी मेरी, क्यों थकावट हो चुकी थी, उधर गर्मी काफ़ी थी, उस वजह से ज़हन अजीब सा हो रहा था। तो अभी असर की नमाज़ पढ़ के नहाने के लिए, टूवेल पे नहाने के लिए निकले हैं, तो लाइट बहुत तंग कर रही है, जब निकले थे उस वक्त लाइट चली गई थी, तो अभी फिर आई है, और सामने मैं देख रहा हूँ अभी टूवेल चला है, तो अभी हम उधर चलते हैं। ये टूवेल चल रहा है, नहीं आज पता नहीं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये मैंने बालों के लिए बंद है, बाल ख़राब ना हो जाए, तो पानी बहुत मज़े का है, अभी से ठंड लगनी शुरू हो गई है।
मुझे सर्दी लगने लगी है अभी से। दोस्त भी कह रहा है तुझे सर्दी क्यों लग रही है। तो कभी कभी नहाने हो ना ऐसे तो पानी ज़्यादा ठंडा है, और इस ट्यूबवेल का और उस ट्यूबवेल का भी पानी तो वैसे ही बहुत ठंडा होता है, तो सर्दी लगती है ऐसे ही। तो बस थोड़ी सी देर और नहाएंगे तो फिर वापसी होगी हमारी घर में। सांस रोकना बहुत मुश्किल है। अब सुकून हुआ कुछ, मज़ा आ गया नहाने से, तो अब बस घर चलते हैं क्यों, खाने का भी टाइम है। चल पा तो सही चला लेने हैं। तेरे तो कहने कटे से मैं अपना वीडियो नहीं बननी है मौलवी दाती है सर गोली ही ना कर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट छाड़ दे यार, छाड़ दे ओए, इन्हें भी तंग करना। ओए तू इन्हें छाड़ छाड़ तू, ये तो खेड़े जे तो देखी तू सारे ते पैर है किचरा, ये तो मुंह काबू रखियो, मुंह पे काबू रखियो भाई। मुंह खेत कर थोड़ा आ कटे। ये सींग काटने थे जो हम शुरू में दिखा रहे थे, ये देखे अंदर गए हुए थे इसके इधर से दोनों ही। ये काटे हैं आगे से, ये इतने इतने अंदर गए हुए थे इस वजह से काटे हमने, क्लच तार के साथ काटे हैं। ये काफ़ी दिन से तंग हो रही थी हमारी जोटी है, ये तो तंग हो रही थी काफ़ी, क्यों सींग अंदर था तो टकरे मारती थी खुरली को, वो अंदर तंग करती थी, तो आज काट दिए हैं। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।